Hello friends, this is Vinay Namdev and today my topic is Hantavirus. China ke Yunnan province mein kuch haal hi mein deaths ko report kiya gaya hai ek naye virus ke karan jise Hantavirus ke naam se jana jata hai. Hum China ke Yunnan province ki location yadi dekhen to ye Myanmar ke northeast mein hai. Virus ki baat kare to ये वायरस रोडेंट्स यानी चूहों के कारण लोगों को अफेक्ट कर रहा है और इस वायरस से दो टाइप की जो डिसीज़ हैं वो होती हैं. फर्स्ट इज़ हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम दैट इज़ नोन एज HPS एंड सेकंड इज़ हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम दैट इज़ नोन एज HFRS. देखिए HPS एक टाइप का रेस्पिरेटरी डिसीज़ होता है और HFRS is kidney failure disease. If we see the classification of Hantavirus, so it is bifurcated in two, that is New World and Old World. जो New World है वो अमेरिका में पाया जाता है और जिसके कारण HPS means Hantavirus Pulmonary Syndrome होता है और second is Old World जो कि यूरोप और एशियन कंट्रीज में पाया जाता है इसके कारण HFRS डिसीज होती है. हंटा वायरस को फर्स्ट रिपोर्ट किया गया 1970s. हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की. सो हंटा वायरस का ट्रांसमिशन बेसिकली रोडेंट्स के कारण होता है. यदि कोई भी व्यक्ति रोडेंट की यूरिन सलाइबा और ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आता है तो इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इफ समवन ब्रीथ्स इन कंटेमिनेटेड एयर देन द डिसीज कैन ट्रांसमिटेड. ओके ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वायरस का पॉसिबल है बट इसके केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. सिम्टम्स की बात करें तो इसके अर्ली सिम्टम्स हैं फटीक फीवर मसल एक हेड एक डिजीनेस चिल्स एंड एब्डोमिनल पेन और इसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वह कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसा कि हम कोरोना वायरस में भी देख सकते हैं. जब इन्फेक्शन लंग्स तक पहुँच जाता है तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में लिक्विड फिल हो जाता है और HFRS की बात करें तो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि HPS में होते हैं बट इसमें सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक लो ब्लड प्रेशर एक्यूट शॉक वास्कुलर लीकेज एंड एक्यूट किडनी फेलियर तक हो सकता है. HFRS भी पर्सन टू पर्सन बहुत रेयरली ट्रांसमिट होता है और इसके ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो देर इज़ नो वैक्सीन फॉर HPS. हंटा वायरस की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है. सो इट्स बेटर कि हम सिम्टम्स को देखकर उन्हें नज़रअंदाज ना करें और उन सिम्टम्स को कम करके हम इस वायरस से बच सकते हैं. सो फ्रेंड्स दिस वाज होल अबाउट हंटा वायरस. थैंक यू सो मच.